नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जब किसान काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान उन पर एक थार जीप चलाई जाती है जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस घटना के बाद देश भर में इसकी निंदा की जा रही थी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पीड़ित किसानों और उनके परिवारजनों से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन इस दौरान उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस पूरी घटना को लेकर के बक्सर में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। इसी को लेकर के जिला उपाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा की नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने नगर थाने में अपनी गिरफ्तारी भी दी है। वहीं बक्सर सदर विधायक मुन्ना तिवारी और संजय तिवारी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो किसानों पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जुल्म किया गया और उस जुल्म के खिलाफ किसानों के जले हुए घाव पर बलम लगाने के लिए जा रही हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ जो पुलिसिया जुल्म उत्तर प्रदेश में किया गया है, उसके खिलाफ हम सब उन्हें कि उनकी गिरफ्तारी अविलंब रिहा करने के लिए हम सबों ने कांग्रेस जन ने निर्णय लिया कि उस गिरफ्तारी के खिलाफ में हम लोग भी अपनी गिरफ्तारी बक्सर जिला के मॉडल थाना में दर्ज। विधायक जी, आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट मोदी ने कहा था कि देश के किसानों की हालात बदतर है, हमारी सरकार बनती है तो उसे व्यवस्थित करेंगे, और आज किसानों के ऊपर ही गाड़ी दौड़ाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डॉक्टर संघ की सरकार पूर्ण रूप से बहरी और अंधी हो चुकी है। बहरी और अंधी का तात्पर्य ये है कि ये बिहाया सरकार है, ये सर्व सरकार है। 14 में जो वादा किया था भारत की जनता के साथ, बेरोजगारी को कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन वो बेतहाशा महंगाई, वो बेतहाशा बेरोजगारी आज देश के चरम सीमा को पार कर रही है। जिसका खामियाजा यहाँ के बेरोजगार, जिसका खामियाजा यहाँ के किसान, जिसका खामियाजा यहाँ के व्यवसायी, जिसके खामियाजा यहाँ के छात्र छात्राएँ जिस तरह से महसूस कर रही है अपने को ठगा, ये बेशर्मी और नीलम और बेहया सरकार है। मोदी जी को और तत्काल अपने पक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, संजय तिवारी ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। प्रियंका गांधी पीड़ित किसानों से मिलने जा रही थी, उनके दर्द पर मरहम लगाने जा रही थी, लेकिन सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।